गाइस a a स्नेक या फिर चाना वैरायटी का जो फिशेस है ऐसा मछली है ना कि आज के जनरेशन में बहुत ही फेमस हो गया है जस्ट कुछ ही दिनों में मतलब लोगों के दिल में चला गया है भाई चाना देखने में इतना सुंदर होता है हम लोग कुछ चाना स्पीसीज को खाते हैं पर इतना सुंदर लगता है एक्वेरियम में रखने के बाद कि लोग सोच भी नहीं सकते इसलिए गाइस आज मैं टॉप टेन ऐसा लिस्ट बताऊंगा जो कि आप लोग अगर ये सब चाना आज का जो लिस्ट में बताऊँगा लिए ना आपका एक्वेरियम में कोई मछली रखने का ही दरकार नहीं होगा आज टॉप टेन लिस्ट बताऊँगा और गाइस कल मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया था थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम था तो आप लोगों का विश था बहुत तो थैंक यू गाइस फॉर दैट सो so गाइस आज का वीडियो भी शुरू करता है तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना चैनल पर भी न होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस बेसिकली आज मैं टॉप टेन लिस्ट में बताऊँगा टॉप टेन लिस्ट में हर एक चाना का स्पीसीज मॉन्स्टर कैटेगरी में आता है एक छोड़ के और ये जो है देखने में भी सुंदर होता है तो पहला जो बताऊंगा टॉप टेन लिस्ट में नंबर वन में वो अभी बहुत ही कम मिलता है अगर मिलता भी है इतना प्राइस होगा भाई छोड़ ही दीजिए पर आप लोग अगर एफोर्ड कर सकते हैं आपका एकोडिय में कोई मछली या नहीं चाहिए उसका नाम है चाना बरका आप लोग नाम सुने होंगे मिनिमम ऑफ टैंक आपको इनको सिक्स सिक्स फीट इंटू टू फीट इंटू टू फीट आपको मिनिमम देना होगा चना बरका का अभी जो फिलहाल प्राइस जा रहा है साठ हज़ार सत्तर हज़ार ऐसा चला जा रहा है मे भी थोड़ा कम में भी मिल सकता है ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं मस्त होता है एक टैंक में मतलब मैं जो हाइट बताया टैंक का सिक्स इंटू टू इंटू टू उसमें आप लोग एक ही रख पाएंगे उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि नहीं तो और भी बड़ा टैंक लगेगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर टू में जो है वो है प्ल्यूडोप थाल्मा ये जो स्पीसीज है ये Uh, आप मैं बहुत कम देखा देखाऊँ मतलब सामने से सा तो देखा ही नहीं कभी कभी वीडियो में देखा पर मेरे को बहुत सुंदर लगता है ये वाला स्पीसीज इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रहा पर इसके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं इसे लाइफ कभी नहीं देखा देखाऊँ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए जस्ट मेरे को पसंद है इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर करो आप लोग को अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो मेरे को कॉमेंट करके बोल सकते हैं मैं भी जानने के लिए भाई मेरे को भी इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ में तो हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर थ्री में जो है वो है चाना मारोलियस या फिर बुल साइज़ स्नैकहेड जो कि बहुत ही कमन कॉमन होता है स्नैकड वैरायटी में और भाई एक सौ डेढ़ सौ में मिल जाता है साइज के हिसाब से और ये गाइस बहुत ही लेवल का एग्रेसिव स्नैड में आता है क्योंकि गाइस मैं इसे खुद अपने टैंक में रखा था पर बहुत साल पहले मतलब तब यूट्यूब का चैनल भी नहीं था बहुत साल पहले रखा था और मैं बाई चांस उसमें गोल्ड फिश ऐड कर दिया था तो मतलब मेरा गलती था मैं गोल्ड मतलब अच्छा वाला गोल्ड था मैं पूरा प्राइस से ख़रीद कर लाया मतलब बाई चांस हो गया मतलब पैकेट फट गया था तो उस मतलब पैकेट से गिर गया और भाई मैं निकलने से पहले उसने पूरा खा लिया पूरा चबा लिया उसे मतलब सोच सकते हैं कितना एग्रेसिव होता है ये जो स्नेकेड होता है तो बेसिकली ये ब्राउनिश कलर होता है और कॉमनली मेल भी जाता है उतना झमेला भी नहीं होता है नेक्स्ट है हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर फोर में वो है एम्पेरस नेकेट एम्पेरस नेकेट बहुत ही खूबसूरत देखने में होता है मिनिमम टैंक साइज आपको सिक्स फीट देना ही होगा और ये अगर एक ठो में अच्छा नहीं लगेगा भाई दो तीन चार ऐसे रखेंगे अगर पॉइंट है तो बहुत ही अच्छा ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर फाइव में जो है वो है मैकूलाटा मैकूलाटा भी एक बहुत ही फेमस पीसीस है मैं सामने से देखा भी हूँ ये कोलकाता में मिल जाता है पर उतना लेवल का नहीं जैसे मैडोलियस या फिर बुलसाई बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं पर मैकूल उतना नहीं मिलता पर थोड़ा बहुत अगर सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा इसका प्राइस थोड़ा हाई है मतलब ज़्यादा भी नहीं थोड़ा बहुत हाई है और ये देखने में भी सुंदर होता है भाई स्नेकेट देखने में सुंदर तो होगा ही तो इसलिए हर एक में बोलने का दरकार नहीं है और हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर सिक्स में जो है वो है गोल्डन कॉपड़ा स्नैकेड यह है बहुत ही एक फेमस और मेरा फेवरेट स्नैकड वेराइटी में गोल्डन कॉपड़ा एकदम देखने वाला स्नैकेड है और ये बहुत बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा और आपको मिनिमम सेवन फीट टैंक या फिर एट फीट टैंक या फिर आपको पौंड देना होगा इसके लिए गोल्डन कॉपड़ा भी अभी बहुत कॉमन हो गया है पर इसका प्राइसिंग हाई जाता है क्योंकि ऐसा लुक है तो प्राइस हाई नहीं रहेगा हा, तो वही हो ही जाएगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर सेवन में जो है वो है आरगास आर्गा या फिर कोई कोई प्लैटिनम स्नैेड बोलते हैं क्योंकि इसका कलर जो होता है ना प्लैटिनम कलर का प्लैटिनम तो नहीं बोलूंगा ग्रेइस सिल्वर कलर सिल्वर पॉलिश रखता है पूरा बॉडी में आप लोग देखोगे प्लैटिनम कार वैसे ये स्नेखेड में भी प्लैटिनम आता है पर इसका प्राइस बहुत ही हाई होता है मतलब हम लोग जैसे आदमी तो वही एफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्लैटिनम का प्लैटिनम गार का भी आप लोग को प्राइस पता होगा आप लोग उससे भी ज़्यादा प्राइस इसका जाता है पर इसे मैं सामने से सच बोल रहा हूँ कभी नहीं देखा मैं वीडियो में ही देखा हूँ सामने से इधर कोई सेलर लाता ही नहीं है भाई आप लोग सोचिए हम लोग का लोकल में कोई सेलर चालीस पचास हज़ार का एक फिश ला के सेल करेगा नहीं होगा ऐसा सेल होगा ही नहीं देखिए डॉग्स भी उतना लेवल का सेल नहीं होता तो, उतना प्राइजिंग का तो भाई फिश क्या होगा इसलिए लोकल सेलर था ऐसा नहीं लाता है इसीलिए काम कभी सामने से देखा भी नहीं हो तो चलिए हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर से एट में जो है सॉरी वो है ई एम एस भी एक स्नेखेड है पर ये जो है थोड़ा छोटा होता है कॉम्पेरिजन में अदर स्नेखेड से एम एस स्नेखेड होता है और ये थोड़ा छोटा है पर इसका बॉडी पैटर्न नेक्स्ट लेवल का है मतलब मस्त लगता है देखने में पर थोड़ा बहुत छोटा होता है दूसरों का कंपटीशन में पर ये इन लोग का एग्रेशन लेवल बहुत ही हाई होता है बहुत हाई होता है इसलिए आपको थोड़ा देख के रखना होगा दूसरा फिशेस को मार रहा है कि नहीं नहीं तो एकदम ही पूरा मार ही देगा बहुत ही एग्रेसिव होता है हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर नाइन में जो है जो कि स्नेक हेड में आई थिंक सबसे बड़ा वेराइटी है वो है जाइंट स्नेक हेड जाइन स्नेकेट आप लोग नाम सुने होंगे सबसे बड़ा वेराइटी आई थिंक सो यही होता है आप लोग को अगर लगता है ये नहीं है कुछ और है तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं पर मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा होता है इसके लिए मिनिमम आपको नाइन फीट या फिर टेन फीट पॉइंट देना होगा क्योंकि बहुत साइज में बड़ा हो जाता है पर इतना लेवल का एग्रेशन इन लोग का नहीं होता है देखने में भी सुंदर होता है और बड़ा लग, बड़ा है तो भाई टैंक में और भी सुंदर लगेगा पर एग्रेशन लेवल उतना नहीं है एंड एट लास्ट नंबर टेन में जो है जो मेरा सेकेंड फेवरेट है चाना वेराइटी में वो है चाना डिप्लोग्रामा चाना डिप्लोग्रामा कुछ साल कुछ साल तो नहीं बोलेंगे एक डेढ़ साल पहले मतलब रेगुलरली स्टोर में मिल जाता था पर अभी थोड़ा कम है मतलब लोकल शॉप में नहीं मिलते इंटरनेशनल शॉप में जाएंगे तो मिल भी जाएगा इसका प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं रहता है शायद अभी पाँच सौ साढ़े पाँच सौ में जाएगा अगर साइज हिसाब से लेंगे थोड़ा देख के लेना होगा पर ये जो है मेरा सेकेंड फेवरेट आता है फर्स्ट में तो आपको पता होगा बोला गोल्डन कॉपड़ा आता है और फर्स्ट में बोलना चाहता हूँ गोल्डन कॉपड़ा भी नहीं आता है बरका पर बरका तो भाई पालने का उतना एफ, उतना एफोर्ड ही नहीं कर सकते इसलिए बरका लिस्ट में नहीं रखा बरका सबसे मेरे को लगता है खूबसूरत देखने में इवन प्लेटिनम जो स्नेकेट है उससे भी सुंदर मेरे को बरका लगता है पर बरका और प्लेटिनम ये दोनों बहुत ही हाई प्राइस में जाते हैं तो भाई डिप्लोग्रामा आप लोग रख रहे हैं तो मिनिमम ऑफ सिक्स या फिर सेवन फीट टैंक देना ही ठीक होगा देखने में सुंदर लगता है एग्रेशन लेवल मीडियम होता है और जो जो मैं बोला अभी स्नेकेट सब कोई लाइव फीडिंग लेते है ऐसा नहीं कि भाई पेलेट फीडिंग ट्राई कर सकते हैं पर मैं जो देखा हर एक जो स्नेकेट है लाइव फीडिंग में जाता है सो गाइस ये था हम लोग का टॉप टेन लिस्ट इनमें से अगर आप लोग के एरिया में कोई भी कोई भी अगर इनमें से स्नेकेड मिलता है तो उनका प्राइस मेरे को बोल सकते हैं कॉमेंट में मैं भी जानूंगा आप लोग के एरिया में कितना प्राइस में मिल रहा है हम लोग का एरिया में बहुत कम मिलता है स्नैक एकदम मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ स्नैक बहुत कम लाता है क्योंकि बहुत कोई है ना कि स्नैक को खाता है इसलिए बोलता है भाई खाने का मछली पालूंगा ये इसलिए सेलर लोग कम लाते हैं पर आप लोग का एरिया में प्राइसिंग मेरे को कॉमेंट में बोल सकते हैं सो गाइस यही था आज का अच्छा वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना चैनल पर भी नहीं होता तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो